बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये हुआ कि टीवी देखने से वुज़ू टूट जाता है या नहीं। देखें, जितनी नवाकिज़ वुज़ू चीज़ें हैं, वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें हैं, उनमें टीवी का तो जिक्र ही नहीं है। लेकिन अगर कोई टीवी देखता है तो ठीक है, देखें, लेकिन इससे वुज़ू को कोई नुकसान नहीं होता, वुज़ू नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ देखी है टीवी में कि जो कि इस्लामी नहीं थी बल्कि गैर इस्लामी थी और वो ख़िलाफ़ शरा कोई वीडियो थी, तो उस वक़्त अगर वो देखी है उससे कोई कतरात निकल आए हैं तो उनसे वज़ू टूट जाता है। हाँ, ये कह लीजिए कि माज़ दूसरी दुनियावी चीज़ें देखने सुनने और इस तरह की चीज़ें करने से जो है ना वो वुज़ू की रूहानियत ख़त्म हो जाती है, नूरानियत ख़त्म हो जाती है। टीवी को आप देखें, लेकिन टीवी में कुरान सुन रहे हैं आप, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तिलावत सुन रहे हैं आप, किसी आलिम का बयान सुन रहे हैं, तो इससे तो माशाल्लाह आपका ईमान में और ताजगी आएगी। लेकिन इसके अलावा हटकर कोई गाने वाने सोन वन उससे सुन रहे हैं तो एक तो ये नजायज़ है, गाने वाने तो वैसे भी नहीं सुनने चाहिए, और दूसरा इनसे वुज़ू की नूरानियत भी ख़त्म हो जाती है, रूहानियत भी ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में वुज़ू तो नहीं टूटता लेकिन वुज़ू की नूरानियत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह तमाम भाइयों को इससे बचना चाहिए, इस्लामिक चीज़ देखें, जब भी कोई ज़रूरत की चीज़ है वो देखें, फजूलियात में नहीं पढ़ना चाहिए, इस्लाम तो वैसे भी फजूलियात से मना करता है। दुआ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।